डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जेके फ्लिप फ्लॉप क्या है और इसका ट्रुथ टेबल हम लोग कैसे डिजाइन करते हैं। तो जेके फ्लिप फ्लॉप वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीक्वेंशियल सर्किट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इस डायग्राम को, देखो यहाँ पे डायग्राम को देखने के बाद अगर आपने वीडियोस मेरी ऑलरेडी चेक की होंगी तो आपको लग रहा होगा सर ये अपने डायग्राम तो यहाँ पे एसआर फ्लिप फ्लॉप वाला बना रखा है। तो गाइज, एसआर फ्लिप फ्लॉप जो हमने डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि वन ऑफ द मोस्ट बेसिक फ्लिप फ्लॉप कौन सा है, एसआर। मतलब जैसे हम लोग एंड और गेट को बोलते हैं ना, एंड और नॉट गेट को, कि यार उससे हम लोग बाकी के गेट्स को डिजाइन करते हैं, ऐसी एसआर फ्लिप फ्लॉप से हम फर्दर फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन करते हैं। तो पहले हम लोग जेके फ्लिप फ्लॉप बात करेंगे, फिर आगे डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप की भी बात करेंगे। तो देखो, जो जेके फ्लिप फ्लॉप है ना, वो 75% एसआर फ्लिप फ्लॉप ही है। जैसे अगर हम बात करें एसआर फ्लिप फ्लॉप की, तो हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर मेरा एसआर फ्लिप फ्लॉप है उसमें क्या होता था कि अगर मेरी वैल्यू 00011011 तो 00 पे क्या होता था, होल्ड होता था, 01 पे 0, 10 पे 1 और 11 पे क्या था, इनवैलिड आता था। याद है सभी को, एसआर फ्लिप फ्लॉप का मैंने ट्रुथ टेबल यहां पे लिखा है। तो देखो गाइस, यहां पे ये जो मेरे पास चार में से तीन पॉसिबिलिटीज है और तीन आउटपुट्स है वो सेम ही रहेंगी। हमने इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी। हम अभी भी क्या चाहते हैं कि जेके में भी 00 पे होल्ड ही आए, 01 पे 0 आए, 10 पे 1 आए। लेकिन दिक्कत पता है कहां थी? दिक्कत थी इस पॉइंट पे, क्योंकि 11 पे वो दिखा रहा था इनवैलिड। मतलब हमें पता ही नहीं कि आंसर मेरा क्या आएगा। तो जेके कहता है कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाऊंगा। क्या कहता है? मैं एसआर की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो क्या किया डिजाइन में, एसआर फ्लिप फ्लॉप के डिजाइन में थोड़ा सा चेंज किया और इस प्रॉब्लम को, इनवैलिड को हमने सॉल्व कर लिया और ये बन गया जेके फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो चलिए यहां पे हम लोग भी यहां पे डिजाइन में थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो ये डिजाइन जो है वो ऑलमोस्ट आपका सेम ही है। यहां पे देखो, हमारे पास क्या था, एस था, यहां पे क्या था, आर था, यहां पे क्या था, क्यू एन था और यहां पे क्यू एन का बार था। अब आपको करना क्या है, ये जो क्यू एन है, यहां पे ये जो क्यू एन आ रही है ना, इस क्यू एन को यहां से निकालो और निकाल के इसमें डाल दो, पहली चीज तो ये। और फिर यहां पे मेरे पास क्या है, यहां पे है मेरे पास क्यू एन का बार। बस इस क्यू एन बार को यहां से, इस क्यू एन बार को यहां से उठाओ, जैसे हमने यहां से क्यू एन को उठाया, क्यू एन बार को यहां से उठाया, उठाने के बाद यहां से लाके यहां पे ऐड कर दिया। ठीक है जी, तो मेरे हिसाब से आपको जो है वो कलर से पूरा अच्छे तरह से विजिबल हो गया होगा कि मैंने क्या चेंज किया है। बस ये दो चेंज करते ही आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप क्या बन गया, जेके फ्लिप फ्लॉप बन गया। ठीक है जी, तो यहां पे मैं इसको एक तरह से अब जे के फ्लिप फ्लॉप ही लिख देता हूं। ठीक है, तो ये जे के फ्लिप फ्लॉप बन गया, ये क्यू एन, ये क्यू एन का बार और बाकी की कहानी आपकी एज इट इज सेम है। तो मैं इन तीन वैल्यूज को तो सॉल्व करके दिखाऊंगा ही नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी एसआर लैच में फ्लिप फ्लॉप सब जगह कर लिया। आपको ये वाला यहां पे करके दिखाता हूं कि 11 के केस में क्या होगा। मतलब जब हमारी जे की वैल्यू और के की वैल्यू, यहां पे मैंने क्या डाली, 11 डाली, तो ये एक्चुअल करता क्या है, यहां पे ये करता है टॉगल। टॉगल का मतलब क्या होता है कि जो क्यू एन की वैल्यू थी, जो पहले ऑलरेडी मेरे पास आउटपुट थी, उसका बार कर देता है, उसका बार कर देता है। देखो आपको भी बताता हूं, लेट्स से अब मैं यहां पे जे और के की वैल्यू ले लेता हूं। तो यहां से हम लोग फटाफट से करते हैं इसको, जे और के की वैल्यू, यहां पे मैंने क्या लिया, जे, और यहां पे क्या ले लिया, अब के, एसआर को हटा दिया। अब यहां पे जे की वैल्यू 1, के की वैल्यू 1 और यहां पे मेरी जो क्लॉक है, ऑब्वियसली जब क्लॉक की वैल्यू हम देंगे 1, तभी तो वो क्या होगा, तभी तो वो ट्रिगर्ड होगा, क्योंकि हमने यहां पे पॉजिटिव मान के चला हुआ है, हमारा पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है। तो यहां पे हमने इसकी वैल्यू जो है वो क्लॉक की वैल्यू अप कर रखी है, ठीक है, ताकि ये ट्रिगर हो, ताकि ये काम करे। अदरवाइज इसमें जो इनपुट हम 11 दे रहे हैं वो आउटपुट आएगी नहीं कभी, जब तक हम लोग ये इसको ट्रिगर नहीं करेंगे। तो लेट्स से हमने ट्रिगर भी कर दिया। अब यहां पे मेरे पास एक
इनपुट जे वाली 1 है, ये के वाली क्या है 1 है, ठीक है, ये इनपुट तो हमने फिक्स कर दी। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये जो नई वाली हमने डाली है इन इनपुट्स को भी डाल के दिखाओ। तो लो जी पहला केस हम लोग ले लेते हैं, लेट से क्यू एन की वैल्यू जो है वो क्या है 1, ठीक है, केस 1 मेरा पहला केस है कि मेरी क्यू एन की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। अब कोई ना कोई तो वैल्यू होगी ना क्यू एन की, मतलब जो प्रेजेंट में मेरी आउटपुट अभी है वो या तो 0 होगी या 1 होगी। तो लेट से मेरी अभी क्यू एन की वैल्यू क्या है 1 है, मतलब इसकी वैल्यू क्या है 1 है, क्यू एन की वैल्यू क्या है 1। अब देखो ये 1 वैल्यू यहां से चल के यहां पे आ गई, ये 1 वैल्यू यहां पे आ गई, और ये क्यू एन बार कितना होगा 0 होगा, तो ये 0 यहां से चल के इधर क्या आ गया 0 आ गया। सिंपल, मतलब क्यू एन की वैल्यू अगर मैंने 1 मान ली तो ऑब्वियसली ये क्यू एन 1 वैल्यू इधर से इसमें फीडबैक में चला गया, और क्यू एन का बार क्या होगा ऑब्वियसली इसका उल्टा क्या होगा 1 का 0, तो 0 यहां से चल के यहां पे आ गया। अब देखो, अब ध्यान से देखना, ये मेरा क्या था, ये मेरा NAND गेट था। NAND गेट में मैंने क्या बताया था, शुरू से ही एक लाइन बोल रहा हूं कि अगर मेरी एक भी इनपुट 0 हो जाती है तो आउटपुट क्या आता है 1 आता है, बाकियों को भूल जाओ, बाकी इनपुट उससे लेना देना नहीं। अगर एक भी इनपुट 0 आ गई और ये 0 आ रही है, ये जो आपको यहाँ पे कलर दिख रहा है इसमें 0 आ रही है, तो ये क्या हो गया 1 हो गया। यहाँ पे क्या है, तीनों 1 है, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, यहाँ पे तीनों 1 है, तो भैया तीनों 1 NAND गेट है। NAND मतलब एंड और नॉट, तीनों का एंड करो 1 आएगा, उसके बाद नॉट कर दो 0 हो गया। लो जी यहाँ पे आउटपुट क्या आई, 0 आई, मतलब यहाँ पे 1 गया, यहाँ पे 0 गई, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, और ये क्या है एसआर लैच, ये भी ऑलरेडी आपको बता चुका हूं अच्छे से। तो 1 0 के केस में लैच क्या आंसर देता है, Qn की वैल्यू यहां पे क्या आएगी, जो नेक्स्ट स्टेट में वैल्यू आएगी Qn प्लस 1 वो क्या आएगी 0। मतलब जब हम 1 0 देते हैं SR लैच में, ध्यान से देखो आपने नोट कर रखा होगा, SR लैच में जब हम 1 0 देते हैं तो मेरी Qn की वैल्यू क्या आती है 0 आती है, मतलब मेरी नेक्स्ट स्टेट में आउटपुट क्या आ गई 0 आ गई। हमने दी क्या थी, हमने अज्यूम क्या की थी कि मेरी ऑलरेडी अभी आउटपुट क्या है 1 है, और जैसे ही हमने ट्रिगर करके इसको चलाया आउटपुट क्या हो गई मेरी अब नई स्टेट की, न्यू स्टेट की या नेक्स्ट स्टेट की आउटपुट क्या होगी 0 हो गई। नहीं समझ में आया तो एक और आपका केस ले लेते हैं जी, दो ही केस बनेंगे क्योंकि Qn की वैल्यू या तो 0 हो सकती है 1। लो जी केस 2 ले लेते हैं, केस 2 में हम Qn की वैल्यू ले लेते हैं 0, कि मतलब मेरी अभी प्रेजेंट में आउटपुट लेट से क्या है 0 है। तो लो जी फटाफट से 0 को चलाओ, 0 अगर यहां पे Qn की है तो लो जी इधर घूम के यहां पे क्या आई, अंदर की तरफ 0 जाएगी, रेड कलर से दिखा रहा हूं 0 जाएगी। अगर Qn 0 है तो Qn का बार क्या होगा, Qn का बार 1 होगा, तो लो जी यहां पे मेरी क्या गई 1 गई, रेड कलर से दिखा रहा हूं तो 1 गई। लो जी ट्रिपल 1 मतलब ये सारे 1 है, तो सारे 1 है तो आउटपुट मेरी यहां पे क्या आएगी 0 आएगी, और यहां पे देखो एक इनपुट मेरी 0 हो गई, NAND क्या देगा 1 देगा, NAND क्या देगा 1 देगा। अब मेरे SR लैच में क्या जा रहा है 0 1, क्या जा रहा है 0 1, तो 0 1 में देखो ट्रुथ टेबल, SR लैच का ट्रुथ टेबल देखो, ये लैच ही तो है ना, ये वाला जो है ये छोटा पोर्शन क्या है लैच ही तो है, तो लैच में अगर मैं 0 1 देता हूं तो आउटपुट क्या आती है 1 आती है। Qn के केस में क्या आती है वैल्यू, आउटपुट 1 आती है। लो जी अगर मैंने Qn की वैल्यू 0 अज्यूम की थी तो मेरी नेक्स्ट स्टेट में आउटपुट क्या आई 1 आई। इससे क्या समझ में आ रहा है, जब मेरी पहले आउटपुट 1 थी वो 0 कर दी, जब मेरी आउटपुट 0 थी तो नेक्स्ट स्टेट में 1 हो गई, मतलब 1 का 0 0 का 1, 1 का 0 0 का 1, क्या हो गया ये हो गया आपका टॉगल, क्या कहलाता है ये टॉगल, मतलब वैल्यू जो थी प्रेजेंट में उसका बार कर दिया, ठीक है। तो लो जी आपका ट्रुथ टेबल जो है वो पूरा का पूरा यहां पे तैयार हो गया, मतलब 75% तो पहले ही तैयार था, ये तीनों चीजें तो सेम ही थी एसर वाली, जहां पे दिक्कत थी 1 1 के केस में वो जेके ने सॉल्व कर दी। तो जेके कहता है जो भी क्यू एन की वैल्यू होगी उसका ये बार कर देगा, तो क्यू एन प्लस 1 क्या आएगा क्यू एन का बार, विच इज ऑल्सो नोन एज अ टॉगल, ठीक है। इसको हम बोलते हैं होल्ड, इसको क्या बोलते हैं हम रीसेट, इसको बोलते हैं हम सेट, और फाइनली हमारे पास टॉगल। लो जी सारा का सारा जेके का ट्रुथ टेबल आपके सामने है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक की और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की और एक्साइटेशन टेबल ऑफ जेके। थैंक यू।